निषाद, बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर संजय निषाद, बहुत स्वागत है। नाविक मानते हैं आप अपने को और बीजेपी की नैया पार लगा दी पूर्वांचल में। और जब बीजेपी ने गरीबों की नैया पार की है, उन्हें सब कुछ दिया जिसकी अपेक्षा रखता था 70 साल से। जो गरीब सताए जाते थे, उनके अनाज पर लूट मचती थी, नौकरी पर लूट मचती थी, उनके पैसे पर लूट मचती थी। कम से कम कभी वही अनाज गोदामों में सड़ता था, गरीब भूखो मरता था। तो मोदी जी के नीतियों को, अमित शाह जी के प्रबंधन को और योगी जी के प्रशासनिक व्यवस्था को मैं धन्यवाद दूंगा। भाई अगर कभी राम ने निषाद राज को गले लगाया था तो मान के चलिए कभी हमारे लोगों ने गंगा पार उतारा था, उसी तरीके से मोदी जी ने निषाद, डॉक्टर संजय निषाद राज के बेटे को गले लगाया। निषाद राज को भगवान राम जब अंगूठी दे रहे थे तो निषाद राज ने अंगूठी नहीं ली थी। आप क्या लेने वाले हैं खेवनहार बन के? मैंने बताया ना कि हम लोग कोई पॉलिटिकल बार्गेनर नहीं है। जिस तरीके से सीटों के बंटवारे में, जिस तरीके से प्रत्याशियों के बंटवारे में हमने लिबरल दिखाया है, हम लोग शर्तों की नहीं सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। वो सिद्धांत है कि जिसकी दो जून की रोटी छीनी गई, कपड़े मकान छीने गए हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ है और जिन पिछली सरकारों ने ट्रेडिशनल वोट बैंक को देखते थे, बाकी जातियों को उपेक्षित रखते थे, तो इस बार सारी जातियों धर्म के लोगों ने वोट डाला है। तो मेरे एक ही सिद्धांत है कि जो भारतीय जनता पार्टी से कि जो हमारे लोग कानून बनाकर अंग्रेजों के द्वारा उजाड़े गए हैं, उनसे फिर से उनको फिर से बसाया जा, संविधान में मिला हुआ जो सुरक्षा उन्हें दिया जा, और जो भी निषाद पार्टी के उद्देश्य है उसका कि जो जिसके जो रोटी कपड़ा और मकान है उसे मिले और भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा करने में कामयाब हो रही है। और इसे बड़े भाई हैं, हाँ। भारतीय जनता पार्टी जो भी छोटे भाई को जो जिम्मेदारी देंगे उसे निभाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक चाय वाले बेटे प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो निषाद राज के बेटे को जो कुछ भी बना सकते उसके ऊपर है। कुछ भी से क्या उम्मीद है? आप MLC हैं, सरवन भी विधायक बनते हुए दिखी रहे हैं, प्रवीण निषाद सांसद हैं संत कबीर नगर से, उम्मीद क्या है डॉक्टर संजय निषाद को? उम्मीद पर खरी उतरी भारतीय जनता पार्टी कि हमें जो सीटें दी थी 16, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से जिस तरीके से अपने लोगों को चुनाव लड़ाया था तन मन धन से, वैसे हमारी सीटों को भी लड़ाया। मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, नड्डा साहब, धर्मेंद्र प्रधान जी को बधाई दूंगा कि जो उन्होंने कहा था कि आपको मैं ला रहा हूं तो निश्चित रूप से आपको जिताने का प्रयास किया जाएगा। तो जो हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास किया उन्होंने और ढेर सारी सीटें हम जीत भी रहे हैं, वैसे मैं धन्यवाद दूंगा। और निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ी भूमिका है, हम लोग उनके सहयोगी हैं और उम्मीद है कि जिस तरीके से सहयोग हमने दिया है वो हम लोगों को साथ लेकर चलने की। संजय निषाद, सरवन निषाद की जीत को लेकर कितने आश्वस्त थे, खास करके जब उस स्थिति में जब टप्पू सिंह बागी हो गए थे चौरी चौरा की सीट से, उम्मीद आपको कितनी थी? देखिए, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा था, जनता पर भरोसा था जिन्होंने मोदी जी के उस नीतियों का, योजनाओं का लाभ लिया है और उन्होंने समर्थन दिया जिनके गांव में जाते थे। और निश्चित रूप से बागी होता है और बागी का काम अपना होता है और पार्टी का, दो दो पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वहाँ मेरा समुदाय भी अच्छी खासी संख्या में था। हमारे समुदाय में बहुत तोड़ फोड़ पहले से चलता रहता था, लेकिन इस बार मैंने धन्यवाद दूंगा अपने समाज को कि उन्होंने एकजुट दिखाया और एक साथ निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय के साथ आया। और पहले इनके ऊपर पौआ पैसा का लेवल लगता था, उस लेवल को हटा दिया, इन्होंने पावर का लेवल लगाया। पावर साइकिल हाथी में था नहीं, और जिसके मोदी के पास पावर था, कमल बटन दबाया, जहाँ भोजन भरी थाली था वहाँ दबाया, साथ में आकर एक मुश्त वोट देकर अपनी उस एकजुटता का परिचय दिया। और डॉक्टर संजय को पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन माना था, तो मेरे दिशा निर्देशों और मेरे लिए गए निर्णयों को उन लोगों ने अपने नीचे स्तर तक कार्यकर्ताओं ने अपने दरवाजे पहुंचाकर और मोदी जी के और योगी जी की नीतियों की सराहना करते हुए वोट देकर जिताया है। धीरेन्द्र सर भी आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले संजय जी, हाँ सुनिए ना, वीआईपी पार्टी ने आप लोगों के वोट बैंक में सिद्धमारी की या नहीं की? देखिए, 70 साल से सेधमारी चल रहा है, विभीषण
तो पैदा होते रहते हैं ना, लेकिन हम लोगों का काम है लोगों को। मुकेश सैनी को विभीषण कह रहा प्रदेश है यहाँ, यहाँ कैश और मुकेश सैनी को विभीषण कह रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद। कैश और क्राउड से नहीं काम चलता यहाँ। मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बिहार में जो व्यक्ति आरक्षण के नाम पर मुंह न खोलता हो और बिहार में अपनी वकालत करते हो, उनके सहयोग से सरकार चल रही है, सदन में एक आवाज न उठाते हो, और डॉक्टर संजय दिल्ली से लेकर मोदी, योगी, अमित शाह, कोई ऐसा टेबल नहीं होगा जहां हम अपने समाज की वकालत न करते हो। यहाँ किसी माँ बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती हूँ, मैं खड़ा होकर उसे न्याय दिलाने की कोशिश करता हूँ। अपने समुदाय के लिए मैं 7 महीने जेल हो रहा हूँ और अपने समाज की लड़ाई के लिए मैं पूरा जीवन, अपने सारे व्यवसाय को त्याग दिया हूँ, अपने पूरे परिवार को संघर्ष का परिवार बना दिया हूँ, और वो व्यक्ति आके इस तरीके से उल्टा पुल्टा बोले और समाज को गुमराह करे, और निश्चित रूप से वहाँ और अपने जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को छोड़ दें दूसरे लोगों के चरने खाने के लिए, वहाँ के लोगों को न्याय कौन दिलाएगा? तो व्यक्ति एक एरिया है, एक ताकत है, तो निश्चित रूप से समाज लगातार। ठीक है डॉक्टर संजय जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं धीरेन पुंडीर सर, आपसे कुछ सवाल करेंगे। जी धीरेन सर। संजय जी पहले संजय, फिर प्रवीण और फिर श्रवण, ये क्या है कि आप एक समाज का पूरी ताकत को आप परिवार केंद्रित कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह का हम लोग देख चुके हैं, जो परिवार का जो पूरा जो आरोप लगता रहा, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में परिवारवादी आरोप लगाते रहे हैं और उन्होंने उस पर बहुत सारी चीज़ें कही हैं। आपको लगता है कि कहीं आप एक इसी तरह का मॉडल क्रिएट कर रहे हैं? पहले आप थोड़े कैमरे को पूरे प्रदेश में घुमाइए, और इस बार पहली बार है 70 साल में भारतीय जनता पार्टी से 17 लोग हमारे मछुआ समुदाय को हमने अपने उस पर बैठकर, क्योंकि हमारी पार्टी में हम निषाद पार्टी, इसका नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है, लेकिन निषाद लग गया तो निषाद पार्टी से जीतने के, तो हमने अपने लोगों को 17 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लगभग लड़ाया, चाहे उनके कार्यकर्ता हों चाहे मेरे कार्यकर्ता हों। पूरे प्रदेश में 3 लोगों को तो मैंने बाद में अपने सिंबल से लड़ाया, अपने लोगों को लाया, तो आज के दिन में हमने सबको लाया हूँ। बिंद को लाया हूँ, विनोद बिंद हैं, कर्शना से पीयूष रंजन निषाद जी हैं, आपके जो है राम केश निषाद हैं, आपके बादा में जो है तिंदुआरी में, ऐसे जो है वहाँ विजय कश्यप जी, हमने पूरे 20 लोगों को टिकट दिलाया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम अकेले हैं? अब रहा कि अब हमारे परिवार के लोग पहले से ट्रेंड हैं, पहले से राजनीति में आगे हैं, और किसी भी चुनाव जीतने के लिए एक प्रोफाइल की आवश्यकता होती है, एक पर्सनालिटी की आवश्यकता होगी, पब्लिसिटी की आवश्यकता होती है, पार्टी की आवश्यकता होती है, जीतना आवश्यक होता है। तो जीत के लिए अभी हम पहला चुनाव लड़े हैं, और पहले चुनाव में पहले जो रहेगा जो ट्रेंड है हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसे तय करेगी उसे होगा। आगे हम हमारे कार्यकर्ता धीरे धीरे लड़ रहे हैं, अब आएंगे, अब हम लोग सरकार के साथ है, देखिएगा आगे बढ़ेंगे। अभी पहला चुनाव में एक ही सीट मिलेगी। चलिए ठीक है संजय जी, वक्त हमें दो, बहुत संक्षेप में सवाल। गृहमंत्री की सभा में निषाद समाज के लोग पहुंचे थे, नाराज हो गए थे, आरक्षण को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ, सरकार बनने जा रही बीजेपी की, आप इस आरक्षण को लेकर क्या उम्मीद लगाए हुए हैं, और साथ साथ क्या अब सत्ता में आप लोग आ चुके हैं तो अखिलेश निषाद वाला जो मुद्दा था उसका समाधान हो पाएगा क्या, संक्षेप में जरा? निश्चित रूप से अखिलेश निषाद के हत्यारों के खिलाफ जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करा जेल भिजवाएंगे। 156(3) में उन लोगों को पुलिस को दोषी माना है अब कोर्ट ने, और जो है आरक्षण के मुद्दे को तो जो अधिकारी उसमें कंटक था उसे हटाया है अमित शाह जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार से लिखवाया, और RGI ने पहली बार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि केवट मल्ला मजवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं, ठीक है, और नोडल विभाग इनका सामाजिक न्याय मंत्रालय उसे लेटर पत्र लिख दिया। अब पत्र लिख दिया तो निश्चित प्रमाणिक दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया, तो प्रमाण पत्र भी मैं ही दिलाऊंगा, लाभ भी मैं दिलाऊंगा। सत्ता में जैसे पोलिटिकल गार्ड फादर ऑफ लेदर मैन हुए उन्हें मिला, उसी तरह के पोलिटिकल गार्ड फादर ऑफ फिशर मैन उनको हम। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय निषाद, आपकी जीत के लिए शुभकामनाएं भी, आपको बातचीत के लिए वक्त निकाला इसके लिए शुक्रिया।